गलन भरी सर्दी में सबसे ज्यादा परेशानी दोपहिया वाहन चालकों को हो रही है। सर्दी ने लोगों को हाथों में दस्ताने पहनने के लिए मजबूर कर दिया है। लोगों का कहना है कि बाहर निकलना उनकी मजबूरी है, मजबूरी नहीं होती तो शायद वो हाड़ कपा देने वाली सर्दी में बाहर नहीं निकलते। जगह जगह लोग अलाव जलाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। सर्दी का सितम काफी ज्यादा है। आगरा इस समय जम्मू कश्मीर से भी ज्यादा ठंड नजर आ रहा है। तापमान आगरा का सामान्य से 10 डिग्री नीचे चला जा चुका है और अब इसमें सर्दी कैसी आपको दिखाते हैं। कुछ जो वाहन आ रहे हैं देखिए आप, मोटरसाइकिल जो आ रही है देखिए कैसे ये लोग जो है हाथों में ग्लव्स पहन के जा रहे हैं। देखिए सामने तरफ से जो मोटरसाइकिल जा रही है ग्लव्स पहने हुए हैं। देखिए वहाँ वह काफ़ी कपड़ा है इन लोगों के। तो सर्दी इस समय काफ़ी ज़्यादा भयंकर सर्दी है। लोग देखिए कंबल लेके भी खड़े हुए हैं। इधर देखिए अगर देखें तो लोग सर्दी से बचाव के लिए कंबल ले जा रही है। देखिए बाइक आ रही है, बाइक आ रही है जो देखिए यहाँ पर ये ग्लव्स पहने हुए हैं। आ जरा देखते हैं इनको जरा एक सेकंड। हाँ लेकिन रुके नहीं, हालांकि देखते हैं, हम कोशिश करते हैं जो है लोगों को रोकने के लिए। आप देखें तो अभी कोई रुकने को तैयार नहीं हो रहा है। ये एक भैया है, जरा इनको देखता हूँ, जरा इनके हाथ हाथ में देखिए ग्लव्स है काफ़ी ज़्यादा। आपने तो ये ग्लव्स वगैरह ही पहन रखा है क्या है? बहुत ज़्यादा ग्लव्स पहन रखा आपने, इसमें भी पहन रखा उसमें पहन, ये हाथ जेब में क्यों डाला है? अरे इसका ग्लव्स कहाँ है? ये रखा है। अच्छा एक जेब में एक उसमें, एक ही है? नहीं दो है। सर्दी पड़ रही क्या? हाँ बहुत सर्दी है। अच्छा हाँ ज़्यादा सर्दी है? हाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है। अच्छा तो मोटरसाइकिल ये बाइक चलाने में कैसा लगता है? बाइक चलाने में बहुत ठंड लगती है, सर्दी लगती है कभी। देखिए इनको काफ़ी ज़्यादा सर्दी लग रही है। इनका कहना है कि दोपहिया वाहन चलाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि इस समय जो है सड़कों पर लोग ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं। जो दोपहिया वाहन वाले जो लोग हैं वो अपने हाथों में ग्लव्स पहन करके जा रहे हैं। आपको दिखाते हैं ज़रा, वाहन चला के जा रहे हैं, देखते हैं ज़रा। ये देखिए आप इनकी जो बाइक है ये किस तरह से ग्लव्स पहने हुए हैं। और सामने भी देखिए वहाँ भी दिखाएं जरा, ग्लव्स हाथ में पहने हुए हैं बाइक से जो उतर रहे हैं। देखिए भैया सर्दी वर्दी कैसी पड़ रही है जरा बताएंगे, सर्दी के बारे में थोड़ा बताइए, सर्दी कैसी पड़ रही है? सर्दी तो बहुत कड़ी पड़ रही है भाई साहब, घर से निकला नहीं जा रहा है। अच्छा तो बर्फ़ पड़ गई हो गलन। अच्छा अच्छा तो भैया वाहन चलाने में कितना मज़ा आ रहा है? भैया वाहन चलाने में मज़ा नहीं आ रहा है, डर लग रहा है, मगर मजबूरी में जाना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि गाड़ी हाथ से छूट नहीं जाए? हाँ छूट नहीं जाए हाथ से गाड़ी। अच्छा जाना पड़ रहा है मजबूरी में। जैकेट भी है आपका, ग्लव्स भी है आपका है, और ये टोप ओपा भी है इसके अंदर। जैकेट बहुत मोटी है आपकी है, आपने हाथ क्यों डाल रखा है इसके अंदर? सर्दी के लिए है, सर्दी के लिए डाल रखा सर। अच्छा सर्दी कुछ ज़्यादा ही है क्या? हाँ जी सर ज़्यादा ही सर्दी है सर। अच्छा मोटरसाइकिल चलने मज़ा आता है क्या? नहीं सर मजबूरी में सर, काम तो करना ही है सर, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, बच्चों को क्या खिलाएंगे? देखिए सच बात है यही है कि लोग जो है मजबूरी में जो है दोपहिया वाहनों से जाते हैं। कार वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है, कार वाले तो अंदर बैठकर आसानी के साथ चले जाते हैं, लेकिन जो दोपहिया वाहन वाले हैं उनकी हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है। देखिए इधर देखिए, जो भी वाहन स्वामी जो भी आ रहे हैं, चाहे दोपहिया वाले हों चाहे चार पहिया वाहन के लोग हों, उनके सबकी हालत इस समय ख़राब है। देखिए ये आ रहे हैं तो एक हाथ इनका जो है डला हुआ, जेब के अंदर हाथ डला हुआ, देखिए दूसरा हाथ इनका बाहर नहीं है। ऐसे में सबसे ज़्यादा परेशानी मोटरसाइकिल वालों को है, जो दोपहिया वाहन चला रहे हैं उनसे सबसे ज़्यादा परेशानी है। इस समय आगरा का तापमान जो है काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ तापमान है। बताया जा रहा है कि सामान्य से भी जो 10 डिग्री टेम्परेचर दिन का तापमान भी गिर गया है, जबकि रात का तापमान 7 से 8 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। आगरा का सामान अगर तापमान देखें तो सामान से भी 10 डिग्री नीचे गिर गया है। कैमरा पर्सन मनोज साध, विनोद जूनियर, सी न्यूज आगरा। आगरा के सबसे लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।